हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो नई भर्ती आने वाली है उसके रिगार्डिंग मैं कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बता रहा हूं इस वीडियो में अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स मैं इस चैनल पर हर एक गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जामनेशन का नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराया करता हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो ग्रुप डी की नई भर्ती आने वाली है ना आर ग्रुप डी के लिए उसका रिगार्डिंग जो कि मैं बात कर रहा हूँ रेलवे ग्रुप दो हज़ार की भर्ती के लिए तो उसका फॉर्म अप्लाई डेट क्या है क्या उसका क्वालिफिकेशन रहता है क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है क्या उसका जो कि वो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है पी उसके रिगार्डिंग क्या कुछ रहता है कैसा कुछ रहता है सारा कुछ कंप्लीट डिटेल्स बता रहा हूँ कि कब आपका फॉर्म अप्लाई होगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा चलिए वीडियो देखते हैं आगे देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है ना आप लोगों को ग्रुप डी की भर्ती कब देखने को मिलेगी तो ग्रुप डी की भर्ती आप लोग इसी साल आप लोगों को अक्टूबर से सितंबर मंथ के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना जो ग्रुप डी भर्ती का वेट कर रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कुछ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे ना मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँगा क्योंकि मेरा दो हज़ार उन्नीस रैल ग्रुप डी का सारा कुछ हुआ है मेरा तो मैं अपना जो कि मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था जब मेरा तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था इस, इस चीज़ के रिकॉर्डिंग लेकिन अभी मेरे पास एक्सपीरियंस आ चुका है इस चीज़ का तो मैं अपना जो भी इस चीज़ में बताऊंगा ना कंप्लीट डिटेल्स अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो देखिए ये आप लोगों का ग्रुप डी भर्ती दो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आने वाली है क्योंकि लेवल वन की भर्ती के नाम से इसे जाना जाता है लेवल वन भर्ती ठीक है लेवल वन इसे पोस्ट कराता है ग्रुप डी की भर्ती को जगह अभी ग्रुप सी कर दिया गया नाम का बस ग्रुप डी रह गया है और इसके रिगार्डिंग ये आप लोगों को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मिल जाएगा उस मंथ में आप लोगों को उस बीच में दो भर्तियाँ देखने को मिलेंगे एक मिनिस्ट्रियर एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का और ग्रुप डी का देखिए ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ ना तो ग्रुप डी में आप लोग क्वालिफिकेशन क्या रहता है बहुत सारे बच्चों का क्वालिफिकेशन का डाउट रहता है कि क्वालिफिकेशन इसका क्या है तो क्वालिफिकेशन आप लोगों को से ना दो से मैं बात करूँ दो हज़ार में आप लोगों का टेंथ पास मांगा गया था या फिर आप लोगों के पास आईटीआई सर्टिफिकेट था तो सभी बच्चे मतलब कि सभी बच्चे टेंथ पास वाले इस फॉर्म को भर सकते थे और अभी के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो अभी अभी आप लोगों का कोई चीज़ क्लियर नहीं हुआ है कि टेंथ पास लेकिन हाँ जो अभी इतना बवाल हुआ था आर एड को लेकर के जब ए को लेकर के जो बवाल हुआ था ना उससे क्वेश्चन किए गए थे मीडिया के तरफ से जो भी कमेटी बैठी थी इंटरव्यू थी, इस चीज़ के लिए तो जन वहाँ के जनरल मैनेजर जो थे ना उन्होंने बोला कि ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया है क्योंकि अब शायद ये देखने को मिल सकती है कि ग्रुप डी में अब आई, आई नहीं लागू रहेगी आप लोगों की ठीक है क्योंकि तो चांसेस ज़्यादा है आप लोगों को नाइन्टी चांस है कि ग्रुप डी में अब आई आई नहीं लागू रहेगा ठीक है सिर्फ ग्रुप डी टेंथ पास के ही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा और आप लोगों को इस चीज़ का क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को कि अभी ये एक चीज़ कन्फर्मेशन आप लोगों को ना नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल आएगी ना तभी आप लोगों को क्लियर होगा लेकिन इस तरह तो मीटिंग में कहा गया है कि ग्रुप डी आई, आई से हटा दिया गया है और, और ये, ये आप लोगों को बता दूँ कि दो में ग्रुप डी आई में था भी नहीं अगर आप दस पास हैं तो भर सकते थे इस फॉर्म को टेंथ क्लास पास वाले बच्चे बस और इसे इसी रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ अब आगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या रहती है तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मैं बात करूँ ना तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोगों का देखिए किसी भी जोन से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एक जोन से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते जितने भी आर जोन से सत्तर सोलह सत्रह आर जोन से फॉर्म निकलता है आर से आप लोग किसी एक भी आर से आर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एक कैंडिडेट एक ही बार अप्लाई कर सकता है किसी भी जोन से ठीक है इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा और जोन की मैं बात करूँ तो जोन आप लोग डिसीजन लेके अपने ही अकॉर्डिंग जोन सेलेक्ट कीजिएगा और अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ अपलोड करूंगा जो वीडियो रहेगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कंप्लीट फॉर्म भरने से लेकर के फॉर्म ऑनलाइन से लेकर के पैनल लिस्ट आने तक का कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो कि एग्जाम कैसे हुआ था डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कैसे हुआ था मेडिकल कैसे हुआ था फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कैसे हुआ था पैनल लिस्ट में कैसे कब कितना टाइम लगा आने में ये सारा कुछ डिटेल्स मैं पूरा अपने दो वाले भर्ती में मेरा था तो मैं कंप्लीट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा क्योंकि मेरा जब कुछ हुआ था तो मेरा अभी कुछ भी मेरे पास आइडिया नहीं था उस चीज़ के रिगार्डिंग लेकिन अभी मेरे पास फुल एक्सपीरियंस आ चुका है मैं भी बहुत परेशान था कि मेरा कैसे क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं भी बहुत परेशान था खूब वीडियो यूट्यूब पर देखा करता था कि कैसे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल्स दे, दे दूंगा जिससे कि आप लोगों को किधर इधर उधर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कंप्लीट आप लोग अपना पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे तो उस वीडियो का चल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसके बाद मैं वही नेक्स्ट वीडियो वही अपलोड करूंगा ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए मैं अब इसकी चीज़ के रिगार्डिंग बता दूँ आप लोगों को कि आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट जब जब फॉर्म अप्लाई कर देंगे किसी भी एक जोन से तो आप लोगों का सी होगा और सी आप लोग का जो भी एग्जाम सेंटर डाले चूज़ किए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो सी देखिए यहाँ पर बोला गया है कि द इंटर रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेल बी इन्वॉल्व कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सी होगा उसके बाद से पी होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा पी होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आप लोगों का ठीक है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जब हो जाएगा तो आप लोगों का फाइनल पैनल लिस्ट आ जाता है और पैनल लिस्ट आने के बाद आप लोग का ज्वाइनिंग करा दिया जाता है ठीक है और देखिए डॉक्यूमेंट वेरीफी उसके बाद मैं बात करूँगा कंप्यूटर कर, बेस्ड सी बी टी जो एग्जाम है उस एग्जाम में कैसा कैसा क्या क्वेश्चन पूछ जाता है देखिए सी बी टी एग्जाम में टोटल आप लोगों का ना हंड्रेड क्वेश्चन रहते हैं और हंड्रेड मार्क्स का ही क्वेश्चन रहता है और टोटल नाइन्टी मिनट टाइम दिया जाता है डेढ़ घंटे आप लोगों का टाइम दिया जाता है ठीक है सॉल्व करने के लिए और इस डेढ़ घंटे में आप लोग कितने कितने क्वेश्चन किस किस सेक्शन से सॉल्व करने हैं तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ आप लोगों का पच्चीस क्वेश्चन साइंस का रहेगा पच्चीस क्वेश्चन मैथमेटिक्स का रहेगा पच्चीस क्वेश्चन अब तीस क्वेश्चन आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेगा जो कि रीजनिंग कहा जाता है वही और उसके बाद से बीस क्वेश्चन आप लोगों का जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का करंट अफेयर का क्वेश्चन का काफी अहम रोल होता है आप लोगों का मैं बता दूँ इसमें से दस क्वेश्चन करीब में करंट अफेयर का ही सात आठ मतलब कि मेनली पाँच से लेकर के सात आठ के बीच में क्वेश्चन आप लोगों को ये करंट अफेयर का मिल ही जाएगा देखने को ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का रहता है आप लोगों को मैं बता दूँ इस चीज़ में और पिछले एक साल का आप लोग करंट अफेयर तैयार करके कर जरूर जाएं आप लोग कम से कम ये मिनिमम मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ पिछले एक साल का अब रेलवे के ऊपर है कि दो दो साल का पूछ लेती है तीन तीन साल का पूछ लेती है करंट अफेयर्स ये रेलवे के ऊपर है लेकिन मिनिमम आप लोग एक साल का तैयारी करके कर जाएँ और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ जब सी पास कर लेंगे ना जो भी कट ऑफ बनेगी आप लोग का फिजिकल इिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कैसे होता है क्या कुछ होता है मैं कंप्लीट डिटेल्स वीडियो एक बना रहा हूँ फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के रिगार्डिंग भी मैं धीरे धीरे अब चैनल पर अपने प्रोवाइड करूँ क्योंकि कंप्लीट ग्रुप डी के रिगार्डिंग मेरा क्या क्या कुछ हुआ था सारा एक्सपीरियंस आप के के साथ शेयर करूंगा अपने वीडियो माध्यम से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर मैं हर एक गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन चाहे कुछ भी होगा सब कुछ प्रोवाइड कराया करता हूँ और अभी टाइम के बाद टेस्ट के में ग्राउंड का वीडियो शेयर करूंगा कैसे ग्राउंड में क्या क्या कुछ हुआ था� देखिए फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की मैं बात करूँ ना तो ये काफ़ी ईजी होता है फिजिकल इफिशेंसी मुझे भी लगता था उस टाइम में ना कि क्या पता मेरा रनिंग निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा जो जो वेट लेके जाना रहता है लेके जा पाएंगे नहीं देखिए वेट कितना लेके जाना है आप लोगों का तो आप लोग का पैंतीस के वेट लेके जाना है सौ मीटर ठीक है और दो मिनट के अंदर लेके जाना है आप लोगों का पैंतीस के जी, जी ये बहुत ही ईजी है मुझे भी लगता था कि क्या पता मैं कर पाऊँगा कि नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा बहुत ही ईजी है ये चीज़ आप लोगों का पैंतीस के वजन को सौ मीटर जाना और ये आप लोग एक मिनट में ही कर लेंगे एक से एक मिनट दस सेकेंड के बीच में ही आप लोग कर लीजिएगा नॉर्मल चल के जाइएगा तो भी आप लोग क्योंकि ये बहुत ईजी होता है और उसके बाद एक हज़ार एक हज़ार जो कि मीटर की रनिंग होती है आप लोग लो को चार मिनट पंद्रह सेकेंड में रनिंग दौरान आता है जो कि मेरा तीन मिनट छत्तीस सेकंड में ही अपना रनिंग एक जो कि एक एक किलोमीटर का रनिंग होता है जैसे हज़ार मीटर का है हज़ार मीटर रनिंग क्वालीफाई कर लिए थे हम तीन मिनट छत्तीस सेकंड के अंदर ही क्योंकि ये भी इजी है आप लोग नॉर्मल स्टेप से भी अगर दौड़ेंगे ना लेकिन इतना भी इजी नहीं इसे कहा जा सकता ठीक है आपको लोग प्रैक्टिस होना चाहिए अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो बहुत सारे बच्चे रनिंग में भी कोई डिस्कवालीफाई हुए हैं मेरे मेरे ही ग्रुप में कई कई लड़के छः छः सात लड़के आप लोग रनिंग में देखें कि छः सात लड़के रनिंग हो गए क्योंकि बीच में ही हट गए दौड़ नहीं पाए थोड़ा ओवर वेट के होने के कारण से तो आप लोग इस रनिंग का प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा मेरा रनिंग तीन मिनट छत्तीस सेकंड के अंदर ही हो गया था उसके बाद से रनिंग जैसे ही क्वालिफाई कर लेगा तो आप लोगों का पीई का एक रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को ठीक है ई का रिजल्ट दे दिया जाएगा और पीई का रिजल्ट आप लोगों को ना शाम को वहाँ की जो भी आप लोग का हुआ हुआ रहेगा ग्राउंड में जिस भी उस ग्राउंड में जो नोटिस पे आप लोग का रिजल्ट दे दिया जाएगा शाम को शाम के टाइम में जितने भी जिस शिफ्ट के बच्चे क्वालिफाई किए सबका लिस्ट दे दिया जाएगा अगर वहां पर नहीं दिया जाएगा तो कुछ टाइम के बाद रात को उस आरआरसी भी पब्लिश कर दिया जाएगा ठीक है तो आप लोग फिजिकल फिजिकलसी टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट डॉमेंट वेरीफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कटअप बनती है और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आप लोगों का होगा पहले जो भी एग्जाम सेंटर दिया जाएगा आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा और उसके बाद से आप लोगों का नेक्स्ट डे उसके मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा मेडिकल के लिए जिस भी हॉस्पिटल में भेजा जाएगा आप लोगों को वहाँ पे उस आर आर सी में जितने भी डिवीजन आते हैं ना उस डिवीजन के अकॉर्डिंग जितने भी हॉस्पिटल होंगे उस डिवीजन में आर आर बी में आर आर सी में जो भी आर आर बी आर होगा मिलेगा तो उसमें आप किसी भी हॉस्पिटल में आप लोग को भेजा जाएगा जिसके नियरेस्ट ही आपके एड्रेस से नियरेस्ट ही भेजा जाता है हॉस्पिटल में ठीक है और उसमें मेडिकल के रिगार्डिंग मैं बात कर कि मेडिकल में आप लोग का आई चेक होता है मैं एक कंप्लीट वीडियो में बात बता रहा हूँ कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप डी के रिकॉर्डिंग होने वाली है मैं उसमें कंप्लीट डिटेल्स विद फोटो के साथ मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल के फोटो के साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो कि मेरा कैसे डीबी हुआ था कैसे मेडिकल हुआ था सारा कुछ फोटो के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसके बाद से मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे मैं जब मेरी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल जाइएगा ना तो आप लोगों का नॉर्मल कुछ नहीं होगा होने वाला है मेडिकल उतना कोई एक ही दिन में आप लोग का मेडिकल कंप्लीट कर लिया जाएगा ठीक है और उसके लिए आई आप लोग का ए टू मांगा जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड में ए टू होना चाहिए आई मोस्टली आई इंपॉर्टेंट है आई चे अच्छा से चेक किया जाता है वहाँ पे ठीक है क्योंकि तो नॉर्मल बच्चे जिसका कुछ आँख में प्रॉब्लम नहीं है सर्जरी वर्जरी नहीं करवाएं बस नॉर्मल फाइव क्वालीफाई कर, कर जाते हैं कितना हार्ड नहीं होता है ये कुछ भी ठीक है तो इसमें ए मांगा जाता है फिर ए थ्री मांगा जाता है फिर बी मांगा जाता है और इसे कैटेगरी है बी मांगा जाता है फिर सी फिर सी मांगा जाता है इसे मेडिकल कैटेगरी होती है ठीक है जो भी आप लोग का कैटेगरी होता है मतलब मिनिमम ग्रुप डी के लिए आप लोगों को ए टू से स्टार्ट कर ग्रुप डी का लेवल की भर्ती आप लोगों के ए टू मेडिकल स्टैंडर्ड की, की भर्ती है ठीक है और इसमें सिक्स बाई नाइन आप लोगों का आ, आईकल मांगा जाता है विद विदाउट ग्लासेज सिक्स बाई नाइन सिक्स बाई नाइन दोनों आंखों की होनी चाहिए ठीक है सिक्स बाई नाइन सिक्स बाई बाकी इसमें कॉल विजन बाई ये सारा कुछ मैं डिटेल्स आप लोगों को मेडिकल के रिगार्डिंग एक वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ मैं मेडिकल के रिगार्डिंग उसके बाद से फिजिकल के रिगार्डिंग उसके बाद से जॉइन फॉर्म ऑनलाइन से लेकर के जॉइनिंग तक क्या का क्या क्या कोसे में लगातार वीडियो ग्रुप डी के रिगार्डिंग अपलोड करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सारा कुछ वीडियो देखने के लिए उसके बाद से जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा ना तो उसके बाद से आप लोगों को जो फाइनल वेट कर दिए वे कुछ दिन के लिए वेट किया जाएगा उसके बाद से आप लोग का पैनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा पैनल लिस्ट जैसा ही जारी कर दिया जाएगा पैनल लिस्ट में आप लोग का जो भी डिवीज़न अलॉट किया गया रहेगा आप लोग को उस डिवीज़न से ज्वाइनिंग लेटर आएगी और ज्वाइनिंग लेटर में जो भी डेट रहेगा फाइनली आप लोग को ज्वाइन करने के लिए उस डेट पर जाना रहेगा ज्वाइन कर लेंगे आप लोग ठीक है तो ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट में आप लोगों को बताया कि कैसे क्या कुछ बुना और इसका कम्प्लीट डिटेल्स वीडियो मैंने फुल एक्सपीरियंस के साथ में वीडियो के साथ एग्जामिनेशन हॉल का फोटो के साथ में कम्प्लीट बताने वाला हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उस चीज को देखने के लिए अगर आप लोगों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर इस चीज का मेरे भी क्लास का फिर मेरा कोई भी पी फाइल नोटिफिकेशन आप लोगों को चाहिए तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया करता हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा तो टाइम लग जाता है जिसके कारण मैं पहले टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ तो आप लोग वहाँ ज्वाइन करके जाके आप लोग सारा कुछ अपडेट ले सकते हैं पी फाइल ले सकते हैं अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग